दोस्तों जो मैंने आप ही पोस्ट डाली थी, वीडियो डाली थी अपने माधव सिंघाने की, एक वाल्मीकि समाज का बच्चा है, और मैंने रोकी जी से बात की थी, इनके मोहल्लों वालों से भी बात की थी कि अपना एक बच्चा है, उसकी अपने हेल्प करनी है, और इन्होंने दिल खोल के मेरे को फ़ोन किया, परम भैया आप भी आ जाओ, आप हम सारे साथ खड़े हैं, ये मेरा पूरा वाल्मीकि समाज है, एक हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन इंसानियत का रिश्ता है हमारा जो आज इनके साथ है। आज ये बाढ़ वालों ने मिसाल दी है, एक फोन पे इन्होंने कह दिया परम जी हम आपके साथ हैं, मेरे साथ नहीं है, परमात्मा वाहेगुरु सब उनके साथ है जो जरूरतमंद निरी परिवार है। यार वो टाइम आप भूल जाते हैं किसी की सेवा करने के लिए, जब अपने पे बीतती ना खुदा को अपने अल्लाह को याद करते, परमात्मा मेरे को इस दुख में से निकाल दे। यार एक सोच के टाइम उस समय सोचो कि आप उस टाइम दुख के किसी में काम आए हो, किसी का सहारा बने हो, या तुम किसी का सहारा बनोगे तो आपका परमात्मा सुनेगा दिल से। आज किसी ये लोगों ने मेरी सुनी है कि एक अपने निडी परिवार है, इनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, दो बंदे थे, एक ऑन द स्पॉट मर गया, डेथ होगी उसकी, वो भी किसी का सहारा था, चलो परमात्मा ने नहीं माना, जो एक जिंदगी आज डॉक्टरों के इलाज के बाद जिंदा है वो तड़फ रही है सिर्फ पैसों के भाव से। आज वो पैसे हम इकट्ठे करेंगे तब इनका बच्चा जिंदा रहेगा ना, वो पैसे कहाँ से आएगा? हम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये बर्गर खा सकते हैं, पाई अब मैदा नहीं लगता, और 500 रुपये का बर्गर खाते हैं, और इन बच्चे के लिए 150 रुपये आपको कम पड़ गए। परमात्मा ना करेगा आज मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ होता है तो मुझे उस दुख का पता है, आज इनका दुख मैं जान सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, कि मैंने भी अपने रिश्तेदार खोए, अपने बहन भाई को खोया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ये मेरे भाई वाल्मीकि समाज आज पूरा मेरे साथ खड़ा हुआ है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इनके साथ आप भी मोटा से मोटा मिला के जो आपकी श्रद्धा बनती है, 100, 200, 500, 1000 रुपये, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, उन चीज़ों पे फालतू खर्चा करने के बजाय इन लोगों की अपने जरूरतमंदों के लिए खड़े हो और उनके बच्चों की जान बचाओ। एक दवाई के लिए 500 रुपये की दवाई होती है, कोई बंदा गिड़गड़ा रहा होता है हॉस्पिटल के बाहर, 500 रुपये नहीं होते उसके पास, वो अपना 500 रुपये आप 2 दिन में खर्चा कर देते हैं अपना, ये बर्गर टिक्की चाउमीन खाने में नहीं, अरे खाओ यार, किसने मना किया है, पर लेकिन जरूरत के काम किसी के खड़े तो हो जाओ आप। आज आप खड़े हो गए ना, मेरा विश्वास है आपके दुख के टाइम में वो परमात्मा आपके साथ हाथ खड़े खड़ा होगा। वाहेगुरु भाई, आप हम साथ हमारा वाल्मीकि समाज पूरा तैयार है भाई, जो इसे होगा हम करेंगे, जितने भी हमारे लड़के जितने आ रहे हैं ना सबसे हम करेंगे भाई। राहुल जी, एक ये हमारे भैया राहुल भैया माधव सिंघाने से मिसाल है, जो 3 दिन हो गए दिन रात लगे हुए गांव से पैसा इकट्ठा करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी मोहल्ला है, कोई वार्ड है, कोई गांव है, अपने नौजवान लड़के 25-25, 30-30 बंदों का एक ग्रुप बनाए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पूरे मोहल्ले वालों को लड़कों को जोड़े, और वो 20-25 बंदे हमारी जैसी टीमें जो बनी हुई है उनके साथ जुड़े, किसी के दुख के टाइम में हम काम आ सके, किसी की बेटी की शादी हो, कोई दिवाली से लगा हो, किसी की किताबें नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, तो वो सारे मोहल्ले वाले सारे गांव वाले मिलके उस एक परिवार से मिलके अपने साथ एक सहारा बन सके। हमने सुना है गाँव वाले, एक बचपन से सुनता आया हूँ, गाँव वाले एक परिवार होते हैं, आज इस परिवार के बच्चे को, इनके बच्चे को दिक्कत है, वो परिवार कहाँ है आज? आज भैया के साथ खड़े राहुल भैया, दिन रात इन्होंने फोन मारा है, भैया परम जी एक बंदे की अपन सेवा करनी है, पैसे इकट्ठे करने, पैसे नहीं हो रहे, इलाज जिंदगी में और मौत से लड़ रहा है। तो तभी कह रहा हूँ भाइयों, एक दूसरे के जरूरत के टाइम में खड़े हो, रिश्तेदार आपके पास बात बात पहुँचेंगे, लेकिन यही मोहल्लेवासी और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, जो पंचायत का MC है, चाहे आपका सरपंच है, वो आपके पास होना चाहिए खड़ा, अगर वो नहीं खड़ा होता तो उसको वोट देने की जरूरत नहीं है, उसको चुनो जो आपके टाइम में आपका दुख का साथी बनता है।